of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing. Hello guys. तो आज हम बातें करेंगे सॉफ्टवेयर बॉक्स के बारे में। हाँ जी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बॉक्स लेकर के रखते हैं, लेकिन बहुत से मोबाइल पे वो सपोर्ट नहीं करते। यानी कि रेडमी के लिए हमको अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ जा रहा है और सैमसंग के लिए एक अलग लेना पड़ रहा है, ऐसे ही ओप्पो वीवो जो भी है। तो आज मैं आप सबको एक ही बताऊँगा ऐसे तरीके जिस पर आपको कम खर्चे में आप बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स से आप बहुत अच्छे से आसानी से उसे यूज कर पाएंगे, यानी कि वो सभी पे यूज कर पाएंगे, उसको काम कर पाएंगे उसे अच्छे तरीके से। वो कीपैड पे भी काम आएगी आपकी और आपको टच वाले मोबाइल पे भी काम आएगी, है ना। टच वाले बोले एंड्रॉइड पे ही, जो आज तो जो रनिंग पे है, जिस पे चल रही है ना। तो आपको आज मैं वही बताऊंगा कि कौन से बॉक्स अच्छी है और कौन सी बॉक्स आप बिल्कुल ना लें। आज मैं आपको पूरी क्लियर करूँगा, है ना। जितने मोबाइल रिपेयरिंग वाले मेरे भाई हैं और जो देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या जिनके मोबाइल शॉप है, तो वो भी अक्सर यही पूछा करते हैं सभी से व्हाट्सअप ग्रुप पे और सभी चीज़ों में कि कौन सी बॉक्स लेना बेहतर है जिस पे अच्छे से काम कर सकेंगे और बार बार हमें दूसरी बॉक्स लेना ना पड़े, है ना। तो आज मैं आपको उसी तरीके से आज सभी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि बॉक्स कौन से क्या काम आती है ना। जैसे कि अभी आपने अक्सर सुना है कि MRT बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, MRT चल रहा है, लेकिन वो एक लिमिटेड में, वो आपकी कुलकोमाइसी तक के ही लिमिटेड है। ये याद रखिए, आपको उसमें अच्छे से काम अगर आपको करना है तो कुलकोमाइसी पे वो बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उस पर भी दिक्कत ये हो रही कि Y2 वगैरह, जिसमें बहुत से ऐसे मोबाइल है जिसको वो क्लियर अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगी, परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है। मैं आपको क्लियर यहाँ बता रहा हूँ, MRT अगर आप लेने जा रहे हैं या फिर UMT बॉक्स, तो वहाँ पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका आपको सलूशन मिल जाएगा, उसका भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लेकिन उस बॉक्स को अगर आप लेने जाते हैं तो आपको वो ओप्पो और वीवो, है ना, और उसके बाद जितने कुलसेंट ऐसी है, MU JDU जो भी अभी चाइना वाली आई हुई है उस पर हुआ, जितनी कुलकॉम ऐसी है और, है ना, कुलसेंट ऐसी है, ये सारी ऐसे पे वो काम करती है, प्रॉपर वर्क नहीं करती। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये उसके लिए बहुत अच्छे है, लेकिन आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा है तो मैं कहूँगा कि MRT और UMT बॉक्स ना ले, क्योंकि वो उतना खास अच्छा नहीं है। मैंने यूज करके देख लिया है उसको, देखा जाए तो आपके ऊपर है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय से तो मैं उसे यूज़ किया हूँ, वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। MediaTek में भी वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मैं आपको बताता हूँ Volcano बॉक्स, जो अभी बहुत सारे यूजर्स बोल रहे हैं कि Volcano बॉक्स पे वो इन्फ्रारेड वगैरह अगर प्रोसेस करके लेते हैं MediaTek के ऐसे के लिए, जो फॉर्मेट के लिए, तो मेरे भाई अगर आप सिर्फ उसको FRP के लिए ले रहे हैं तो आप FRP बिना बॉक्स के भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 6580 IC, यानी कि 6580 IC जो है MediaTek की, उसको अगर आपको FRP करना है, तो आप मिराकल बॉक्स से, अगर जैसे कि आप करते हैं मिराकल बॉक्स से भी अगर कई बार फॉर्मेट मारते हैं, तो Samsung का देखना है, एक मॉडल आता है, सॉरी Samsung की कॉपी वाली जो चाइनी आती है J5 मॉडल, उसको अगर आप फॉर्मेट मारते हो तो कई बार दिक्कत ऐसा होता है कि वो पासवर्ड नहीं हटती, है ना, ऐसा मैं आपको क्लियर बताने के लिए बता रहा हूँ, कई बार हट जाती है। लेकिन कई MediaTek ऐसी पैसे होगी कि अगर आप उसे फॉर्मेट मारते हो या फिर क्लियर FRP भी दे देते हो, फिर भी वो पासवर्ड नहीं हटती, ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको उसी तरीके से अगर FA 0001 ऐसा 10X 1000 ऐसा करके अगर आप SP2 से अगर यूज करते हैं इस तरीके का फाइल, आपको उसकी सारी डिटेल्स अगर चाहिए इस बारे में जानकारी, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस बारे में एक स्पेशल वीडियो आपको कंप्यूटर में बना करके दिखाऊंगा कि उससे आप कैसे करके FRP रिमूव कर सकते हैं SP2 के जरिए, और कुलकोम वाली को कुलकोम के जरिए, SPD को SPD के जरिए, SPD यानी कि स्पेड्रामाइसी, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे हम बॉक्स की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बॉक्स के बारे में ही बताने वाला हूँ, है ना। उसके बाद हम चलते हैं मिराकल बॉक्स पे। तो मिराकल बॉक्स पे भाई देखो, जहाँ पे अगर कीपैड वाली मोबाइल बहुत ज़्यादा आती है, कीपैड वाली, तो वो मिराकल ना ले, क्योंकि अब थंडर डायरेक्शन आ चुकी है, तो आपको वहाँ पे RX TX की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं आपको क्लियर बता दूँ, RX TX की सुविधा वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो थंडर वर्जन है, वो एक छोटी सी क्लिप टाइप की होगी, आपको लगानी पड़ेगी, और उस पर RX TX की कोई वो नहीं है। तो आप एक बॉक्स अगर मिराकल कर लेते हैं तो आपको RX TX पे वहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, कीपैड वाली मोबाइल पे RX TX जो रहती है ना, उस पर क्या है, अगर सॉकेट वगैरह टूट गई है, चार्जिंग सॉकेट टूट गई है, तो आप उस पर यूज कर सकते हैं मिराकल बॉक्स को, ठीक है। तो मिराकल बॉक्स के बाद अगर आपको मैं बोलूँगा Volcano, तो अभी आपको मैं नया खरीदने की राय नहीं दूंगा, अगर आप कीपैड वाला खरीदते तो Volcano बॉक्स अगर आपको कहीं से सेकेंड हैंड जुगाड़ में मिलती है, 3000-4000 रुपये अगर मिल जाती है, 2000 जितने भी आपको अगर जम रही है,
उस हिसाब से अगर मिलती है तो आपको 6531 आईसी सी तक के, सी के बाद एक न्यू आईसी आई है जो कि दूसरी प्रॉब्लम था, मतलब कि 6561 सी ऐसे लिखा हुआ, तो उसको भी वोल्कानो पे अभी ठीक से नहीं ले रहा, वो 3.9 वाले पे जो सॉफ्टवेयर वर्जन चल रही है उस पे क्लियर से नहीं ले रही है, ठीक है। तो उस पे आपको मैं पूरा क्लियर भी नहीं बोलूँगा कि आप उसको भी लें, लेकिन एक लिमिटेड अगर आपके एरिया वाइज काम क्या आता है ये आप पहले देखिए, आपके एरिया वाइज में काम कौन सी ज़्यादा आती है। अगर आपके पास सिर्फ माइक्रोमैक्स आ रही है या चाइना आ रही है तो आप उसको एक एसपी टूल या फिर स्पेडनम टूल और भी बहुत सी किट ऐसे हैं जिसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिराकल बॉक्स, यानी कि बॉक्स तो अभी मार्केट में बहुत कम हो गई है, जहाँ तक कि देखा जाए तो मार्केट में बंद होने वाली है वो, क्योंकि थंडर डायरेक्शन चल रही है अभी छोटी वाली, और उसमें भी दिक्कत ये है रेड और ग्रीन कलर में, ठीक है। उसमें भी उसके बारे में मैं वीडियो आपको दूसरी बार में बताऊँगा कि वो रेड और ग्रीन क्या है, इंडिया और बाहर वाले में दिक्कत क्या आती है, वो आपको बार बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की जो नौबत आती है ना वो उसी से कलर से ही होती है, ठीक है। उसका मैं आपको किसी और टाइम किसी और वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में क्लियर करूँगा। मैं आप यहाँ पे बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ कि आपको बॉक्स कौन सी अच्छी रहेगी, ठीक है। वोल्कानो बॉक्स आपको 65 ऐसी जो होती है मीडियाटेक कीपैड वाली की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कीपैड वाले में 31C, ठीक है। इस तरीके का अगर वो आती है तो वहाँ पे आपको RX-TX पे वो बेहतरीन काम करेगी, लेकिन कुछ आती है जो मीडियाटेक की छोटी वाली टिप कैसे होती है उसमें 6531 लिखे हुए वन होती, देखना वो अक्सर दिक्कत करती, बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी कि वो कनेक्ट नहीं लेगी, बूट एरर बताएगी, ऐसा ऐसा दिक्कत करता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मीडियाटेक को एसपी टूल का एक क्रैक वर्जन से आपको उस तरीके से अगर आप यूज करते हैं, एसपी टूल पर भी आप कीपैड वाली को पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ आपको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं, आप एसपी टूल से भी कीपैड वाली को पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। इसकी मैं आपको जानकारी बाद में देने ही वाला हूँ आपको, अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उस बारे में भी आपको वीडियो सारी चीज़ें की बना करके दूंगा। तो वहाँ पे आप कीपैड वाले के लिए अगर आप वोल्कानो लिखते हैं तो वहाँ पे 35 तक का यूज होता है। उसके बाद आपको मैं मिराकल का तो अभी राय बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि बॉक्स मिलना बहुत मुश्किल, अगर मिल जाती है तो मेरे ख्याल से वो बाद में दिक्कत कर सकता है या फिर बंद हो सकता है क्योंकि ठंडा इलेक्शन आ चुकी है तो उस पर वो ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो आपको मिराकल के भी राय नहीं दूंगा फिलहाल, अभी कम से कम 6 महीने तक तो आप रुक जाइए बॉक्स के लिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो माहौल मोबाइल का ऐसा हो चुका है बॉक्स के ऊपर कि हमें खुद को कन्फ्यूजिंग में कि कौन सी बॉक्स कौन सी सॉफ्टवेयर ले रही है सही सॉफ्ट से। देखिए अभी तक के हम लोगों ने नोकिया को यूज़ किया था यूएफएस से बंद होकर के, वो Z3X तो सैमसंग की है, तो सैमसंग के लिए मैं आपको बता दूँ आप ओडिन से बेहतर यूज किसी और में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ अगर आपको IMEI रिपेयर करना है उसका वो चीज़ यूज करना है तो उसके लिए Z3X लगेगी, लेकिन उसमें भी आपको रूट करना पड़ेगा, है ना। बहुत से ऐसे हैं जिस पर आपको रूट करे बिना आपको IMEI रिपेयर या फिर बेसबैंड रिपेयर जिसे हम कहते हैं बेसबैंड रिपेयर आपको नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो आपको दिक्कत करने के लिए आपको Z3X बॉक्स लेना पड़ेगा सैमसंग के लिए, ठीक है। अगर आपको मीडियाटेक SPD अगर यूज करना है, अगर सेकेंड हैंड आपको 6531 तक की अगर सीरीज आपके पास आती है, आप अगर छोटे से जगह पे हैं वहाँ पे बड़ी मोबाइल अगर नहीं आती है, वहाँ पे कम बजट वाले हैं तो 6531 तक की ऐसी है तो आप एक वोल्कानो बॉक्स से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं मिराकल बॉक्स, अगर मिराकल बॉक्स आपको 8000-7000 में महंगा पड़ता है तो भाई आप क्रैक वर्जन यूज़ कर सकते हैं, उसके आपको बहुत सारे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मिराकल बॉक्स के, अगर आपको चाहिए तो। मिराकल बॉक्स तो अभी नहीं मिल रही क्योंकि RX-TX उस पर दिक्कत कर सकती है आपको, क्योंकि अगर आप RX-TX अगर ज्वाइंट होना चाहते हैं, मतलब कि कीपैड वाले मोबाइल को आप अगर ज्वाइंट करते हैं, लेकिन अगर USB से अगर आप काम करते हैं तो मिराकल बेस्ट है, ठीक है। छोटे टाइप में बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप सुन लीजिए छोटे साइज में, ठीक है। उसके बाद आपको FRP रिमूव पे हम चलते हैं, FRP रिमूव के लिए मिराकल आपको कुलकॉम में बहुत अच्छी काम कर रही है अभी आपकी रेडमी वगैरह सीरीज पे, ठीक है। मिराकल बोले तो थंडर डायरेक्शन, ठीक है, थंडर डायरेक्शन में बेहतरीन काम करी। आप इन्फ्रेंट पे मत जाएं वोल्कानो वाले, उससे अच्छा तो ये आपकी मिराकल काम करेगी। MRT और UMT ये दोनों एक ही भाई है समझिए, ओप्पो और वीवो समझिए, दोनों एक ही है, उस पर कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम कह रहे हैं MRT और UMT। लेकिन यहाँ पे MRT अगर आप लेते हैं तो आपको होनर का सेट पे बेस्ट काम मिलेगा, UMT पे वो नहीं मिलेगा, ठीक है। होनर का अगर आपके पास सेट आती है आपके, पहले मैं आपको बोलूँगा आपकी एरियाज वाइज आप काम कीजिए, आपको बॉक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एरियाज वाइज के हिसाब से लीजिए, क्योंकि जहाँ पे अगर आपको बड़ी मोबाइल नहीं आती तो आप उतनी सारी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बॉक्स लेकर के आप उस पर पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सी टूल्स है जिसके ज़रिए आप FRP लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, ये सारी रिकवरी भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ बेस्ट तरीके से, अगर आपको मैं अभी भी राय अगर देता हूँ, अगर आपको पैसा ही फंसाना ही है
तो देखिए RX TX में तो मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि RX TX वाले भी बॉक्स मुझे कोई सी भी समझ नहीं आ रही अच्छी वाली, तो आप थंडर ही दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि सपोर्टर वही अभी ठीक कर रही है। ठीक है, आपको RX TX के लिए अगर चाहिए तो आप वोल्कानो अगर सेकेंड हैंड कहीं पर मिलता है, फिर मिराकल मिल रही है कहीं पर से, तो आप उसे ले लीजिए। उसमें भी की यूज करना पड़ेगा आपको, वोल्कानो पे आपको की यूज नहीं करना पड़ेगा 3.9 तक का। ठीक है, 3.9 तक को आप अगर उसको यूज करते हो तो इन्फ्रेंडो वगैरह उसके एप्लीकेशन रख से लेनी नहीं पड़ेगी आपको, जो 1200-1300 जो भी आपको पैसे नहीं देना पड़ेंगे उस पर आप यूज कर सकते हैं फ्री वाली टूल्स। ठीक है, और अगर कुछ के कुछ टूल्स वगैरह चाहिए आपको फ्री में 3.9 की, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ वोल्कानो की, अगर आपको चाहिए तो वो आपको नीचे से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आप अगर जैसे कि आपको सैमसंग का काम करना है तो सैमसंग के लिए Z3 XCX सही है, उसके बाद ऑक्टोपस भी है, लेकिन ऑक्टोपस आपको हर जगह पे सपोर्ट ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब कि छोटे वाले सेट भी आ जाते हैं यार हमारे पास बनने के लिए कई बार, क्योंकि हम सिर्फ बड़े सेट पे तो नहीं डिपेंड कर सकते ना, कई ऐसे भी हैं कस्टमर जो छोटे सेट यूज करते हैं तो हमको उनको भी देखना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा कि Z3 XC उससे अच्छा है, क्योंकि ऑक्टोपस से अगर आप लेने जाएंगे और भी जो दूसरे बॉक्स हैं वो उस पर क्या होता है बार बार एरर ऑप्शन आती है आपकी USB पे। ठीक है, USB मतलब ड्राइवर जो है वो बहुत दिक्कत करती है, तो जहाँ तक कि मैंने यूज किया और बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मोबाइल पे काम करते हैं उन्होंने भी यूज किया तो Z3 XC को बेस्ट मानते हैं। एक नोकिया के लिए मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग एक यूज करते थे MX की बोल करके एक आती थी, वो नोकिया के लिए सबसे बेस्ट था, उसके बाद मजबूरी में वो बंद तो हो गया। ठीक है, लेकिन नोकिया में बेस्ट था वो, लेकिन कहाँ तक के बेस्ट था, मल्टीमीडिया, लेकिन वहाँ पर 1200-1650 ये सारी मॉडल उस पर नहीं लेती, उसके लिए हमने एक UFS बॉक्स का यूज करते थे। अब UFS बॉक्स भी टॉप 2.09 ऐसा कुछ सीरीज पे आकर के रुका हुआ है। ठीक है, वो भी कभी काम कर रहा है कभी काम नहीं कर रहा है, जाने वाला है, उसकी भी टाइम आ चुकी है एक्सपायर होने की। उसके बाद ATF बॉक्स है जो कि नोकिया की, तो नोकिया की ATF बॉक्स भी बेहतरीन काम करती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर बॉक्स अगर आप नहीं खरीदेंगे तो भी चलेगा, आप नोकिया रिकवरी टूल डाउनलोड करके उसमें फ्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके जरिए नोकिया फ्लैशिंग टूल में आप नोकिया फ्लैशिंग कर सकते हैं। अब रेडमी में अगर आप जैसे कि MI अकाउंट रिमूव करते हैं तो उसके कई ऐसे सारे मेथड हैं जिसे आप बिना बॉक्स के भी हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए CMD कमांड लैंग्वेज आपको यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको या तो फिर बैक फ्लैश करना पड़ेगा, यानी कि अपग्रेड वर्जन से पीछे आ जाइए आप, तो वो पासवर्ड हट जाती है MI अकाउंट की, लेकिन रिस्क पहले ले लीजिएगा, क्या है दिक्कत बननी तो फिर ऐसा होगा कस्टमर अगर सेट डेड हो जाते तो जवाबदारी नहीं होगी, है ना, तो आप बैकअप पहले उससे बोल दीजिए अगर वैसा अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो आपको मैं बोलूँगा कि मिराकल अगर आपको चाहिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसके जरिए भी कुछ मतलब कि यहाँ अभी जहाँ तक के नोट 5 प्रो वहाँ पे यूज आती है, MI अकाउंट खुल जा रही है क्रेक पे भी वहाँ तक के आ रही है काम। ठीक है, उसके बाद Y2 वगैरह भी यूज आ रही है, लेकिन वहाँ पे 4X को यूज करना पड़ता है, MI अकाउंट अगर आपको रिमूव करना है तो 4X यूज करना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे आप MI अकाउंट लॉक को रिमूव करते हैं। तो आपको सारी जानकारी के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको दे करके रखूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आपको बॉक्स लेना है तो अभी आपको फिलहाल अच्छी बॉक्स बोला जाए तो मिराकल का थंडर ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कीपैड में अगर यूज करना है तो अगर आपको कहीं पर से वोल्कानो मिलता है तो 6531 तक के लिमिटेड है भाई उस पे, उससे आगे का नहीं बोलूँगा। ठीक है, SPD पे और MediaTek पे भी वही आपको लिमिटेड दिया हुआ है उसमें भी, तो आप वोल्कानो या फिर मिराकल ले सकते हैं अगर चाइना चलाना है तो, अगर कम यूज़ पे बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे से अगर आपको यूज करना है तो आप मिराकल ही लीजिए, अगर आपको मिल जाती कहीं पर से तो बेहतरीन हो जाएगी। तो बस आपको मैंने बॉक्स की बातें क्लियर कर दी, अगर अभी भी कुछ डाउट है आपको तो आप नीचे कॉमेंट ज़रूर करिए और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, तभी अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे हौसले और बढ़ेंगे और मैं आपको हर बार कुछ न्यू जानकारी देने की कोशिश करूँगा, है ना। तो साथ ही साथ चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को और साइड में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लीजिए, उससे क्या होगा मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, और कुछ समझ में नहीं आती तो आप नीचे मुझे कमेंट जरूर करिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, खुदा हाफिज़।